आज सुबह का ब्लॉग स्टार्ट होता है 8 बजे से। और आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि कल मैं दीदी के घर में गई थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। और फिर मैंने यहाँ पे देखो सारे जो बिस्तर है उसको साफ़ किया, चादर साफ़ किया। माधव आके खाली परेशान कर रहा है, वैसे ही मेरा मन बहुत ख़राब है आज। लेकिन फिर भी माधव देखो शैतानी में लगा है, वो तो नहीं समझेगा ना। तो फिर इधर मैंने अपना जो बेड है वो साफ़ किया, और आज मेरे को बेडशीट भी चेंज करना है। वैसे मैं रोज़ ही बेडशीट मुझे चेंज करना पड़ता है, रोज़ मैंने एक दिन भी वो नहीं होता, मतलब जैसे कि हम रखे 24 घंटे से ज़्यादा ऐसा होता नहीं है। और ये वाला जो बनी है ना, इसके साथ माधव बहुत खेलता है तो इसलिए इसको मैंने बाहर ही रखा है। और हाँ, रितु ना वृंदावन गई थी तो फिर प्रियतम के लिए ना देखो सुंदर सा एक ड्रेस लेके आई है, तो अब इसको ना धोना है, क्योंकि ना ये मैंने देखा है वृंदावन में ना ये बाहर रहता है तो इसलिए धूल वूल जाता है, इसलिए मुझे ना धोना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो माधव मोबाइल देख रहा है, बहुत रेयर फ़ोन देखता है वो। वैसे हम लोग ज़बरदस्ती दिखवाते हैं उसको कि थोड़ा सा शांत होके बैठ पाए, लेकिन वो शांतिपूर्वक बैठता ही नहीं है, बहुत शैतानी करता है। जब हम काम करते हैं ना तो बहुत शैतानी करता है। देखो वहाँ पे थोड़ा मैंने झाड़ू लगाया, वहाँ पे आके सो गया, तो सोचो कितना शैतानी करता है। और अभी जो है टेबल वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। हाँ, डस्टिंग का ना मैं अलग दिन निकालूंगी, क्योंकि डस्टिंग हो नहीं रहा है बहुत टाइम से, तो मेरे को डस्टिंग करना है। बट अभी नहीं, दुर्गा पूजा के टाइम में मैं डस्टिंग पूरे घर का करूंगी, साफ़ सफाई। और आज जो है ना एसी की सफाई होगी, क्योंकि उतना अच्छा हवा दे नहीं रहा है, तो इसलिए हर हफ्ते में ना एसी का जो फिल्टर है वो साफ़ करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे कितना धूल जम गया है, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वजह से फिर ना वो नहीं हो रहा है, मतलब ठंडा नहीं हो रहा है रूम। तो अभी जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम साफ़ कर देंगे, और अभी थोड़ी देर के लिए ना धूप में सुखाना पड़ेगा इसको। और फिर हमने इस एसी में फ़िल्टर लगा दिया, और फाइनली देखो। और ये सिलाई मशीन मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मैं बैठ के सारा काम करती हूँ, और हर कहीं थोड़ी ना पंखा चलेगा, एक रूम में चल रहा है तो बार बार थोड़ी ना चलाऊंगी मैं, तो इसलिए फिर एक की जगह रखा है। और फिर मैंने अभी पोछा लगाया, थोड़ा सा माधव के साथ खेला, और फिर पोछा लगाने के बाद जाके मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि हाँ पहले तो मुझे कुछ कपड़े धोने हैं, उसके बाद जाके मैं अपना जो नहाना धोना है वही करूँगी। और थोड़े से ही कपड़े हैं तो इसलिए धो देती हूँ, बार बार फिर ज़्यादा हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़े से कपड़े धोए। और ये कुछ चाय के बर्तन हैं ये भी धो दिए हैं मैंने। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो फिर मैं कर नहीं पाई जल्दी जल्दी, लेकिन कोई ना, ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ है, 10 बजे तक मेरा हो जाएगा सारा काम एंड पूजा पाठ भी हो जाएगा। और मैंने किचन में साफ़ कर दिया है, और मेरे को रोज़ इस सिंक को साफ़ करना पड़ता है, रोज़ मतलब 2 टाइम तो करना ही पड़ता है मुझे, कि गंदा हो जाता है, थाली रहता है, झूठे बर्तन रहते हैं तो फिर गंदा हो जाता है। एंड मैंने गैस के नीचे भी साफ़ कर दिया है, एंड चूल्हे के नीचे भी साफ़ कर दिया है। अब मैं भर रही हूँ बोतलों में पानी, और फिर मैंने इस टेबल को भी साफ़ किया है। इस टेबल को मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि धूल जम जाता है।